नमः शिवाय। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पौष मास कृष्ण पक्ष मंगलवार एकादशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा आज भी सुबह 8:40 तक स्वाति नक्षत्र में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और विशाखा नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्म जातक सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले, स्वाभिमानी, बोलने में चतुर और शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक नम्र स्वभाव वाले, आस्थावादी, ईश्वर भक्त, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने वाले, स्वतंत्र विचारधारा वाले, न्यायप्रिय, व्यापार आदि में रुचि रखने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बृहस्पति और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा तुला राशि में ही चलते रहेंगे। आज भी पूरे दिन शुक्र और चंद्रमा की युति तुला राशि में ही बनी रहेगी, मगर नक्षत्र बृहस्पति का होगा, जिससे अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। अभूतपूर्व रचनात्मक क्रियाशीलता से हर काम में मदद मिलेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा। नए रिश्तों का सृजन होगा और कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। आज मंगलवार के साथ ही विशाखा नक्षत्र का संयोग है, अतः आज किसी को ना ही कर्ज या ऋण लेना चाहिए या ही ना ही किसी को कर्ज देना चाहिए, अन्यथा पैसा चुकाने में या धन वापसी में तमाम तरीके की दिक्कतें संभावित हैं। आज का राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक लगा रहेगा। इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत या कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। चंद्रमा की युति शुक्र के साथ सप्तम भाव में होने से रचनात्मक क्रियाशीलता में मदद मिलेगी और आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। साझेदारी में लाभ मिलेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। पारिवारिक सुख शांति और मां के स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा, मगर मानसिक संवेदनशीलता बनी रहेगी। वित्तीय संकट का समाधान आज हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होगी। आपके राशि स्वामी शुक्र छठवें भाव में चंद्रमा के साथ चल रहे हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। हालांकि नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। निजी निवेश लाभदायी रहेगा। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा। प्रतियोगी भावना विकसित होगी। बहुप्रतीक्षित अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा, मगर पारिवारिक चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभावित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के व्यावसायिक उत्थान और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। सरकारी कामकाज में सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर कुछ कामों में अचानक गलत निर्णय और कार्य क्षेत्र में अवरोध के साथ सहयोग में कमी भी संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और नई जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, मगर नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। खाने पीने में सावधानी बरतें। मौसम संबंधी संक्रमण के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ बढ़ सकती हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। उत्साह, कार्य ऊर्जा मन मुताबिक बनी रहेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ आपके प्रयासों के ऊपर निर्भर करेगा। परिजनों से विरोधाभास, मानसिक चिंता और मन के नकारात्मक विचारों में सुधार मिलेगा और पारिवारिक प्रेरणा से उत्साह में वृद्धि होगी, मगर पहल करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। हालांकि शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। न्यायालय या संबंधित कामों में सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और निजी रिश्तों में सकारात्मक सोच जारी रखें। सिंह राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर और दृढ़ विश्वास बना रहेगा और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। हालांकि व्यावसायिक योजनाओं में स्थिरता आएगी और विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। विभागीय कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, मगर वाद विवाद संबंधी मामले, दोषारोपण और पारिवारिक तनाव की स्थिति भी संभावित है। हालांकि गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और निजी निवेश लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। ऊर्जा और आत्मविश्वास रचनात्मक कार्यों में खर्च होंगे और सफलता मिलेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है। मित्र व सहयोगियों से भी लाभकारी प्रस्ताव मिल सकते हैं, मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है, मगर आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी रखनी चाहिए। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर विशेष सावधानी बरतें। मौसम संबंधी परेशानियाँ, खासतौर से त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास होगा। शुक्र व चंद्रमा की युति आपकी राशि पर बनी हुई है, जिसका मिला जुला फल प्रयासों को बढ़ाने वाला, मानसिक संतुष्टि और आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला होगा। कार्य योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी और निजी निवेश का योग बना हुआ है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर कार्य योजनाओं में अड़चने, सरकारी अवरोध और वाद विवाद से बचें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्यशैली में सकारात्मक ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। शुभ कार्यों में आ रही अड़चनें खत्म होंगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा और अपव्यय संभावित है। व्यावसायिक स्थिरता कायम रहेगी। रचनात्मक पहलू सक्रिय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। कुछ कामों में रुकावट हो सकती है, मगर अधिकतर प्रयास सार्थक होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में सावधानी अपेक्षित है। अनावश्यक विवाद और रुकावटें संभावित हैं। हालांकि आपके मेहनत के अनुरूप योजनाओं का विस्तार हो सकता है। आवश्यक संसाधनों में खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अतिरिक्त कार्यभार महसूस करेंगे और कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। शुक्र और चंद्रमा की युति से व्यावसायिक उत्थान का अंदेशा बनता है। हालांकि आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, कार्यों में रुकावट, पत्नी के स्वास्थ्य में गड़बड़ी और अपव्यय का संकेत भी मिलता है, मगर वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र की सक्रियता बनी रहेगी। व्यावसायिक उत्थान की प्रक्रिया शुरू होगी और सरकारी सहयोग कायम रहेगा, मगर व्यावसायिक विकास में खर्च संभावित है। हालांकि लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे। आपके बुद्धि कौशल से बिगड़ते हुए काम भी बन सकते हैं। रुके हुए काम संपन्न होंगे और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, मगर विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। मीन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा, मगर चंद्रमा के शुक्र के साथ आठवें घर में होने से कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। बहुत प्रतीक्षित काम संपन्न होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव संभव है। कोई आरोप लग सकता है और साजिश के शिकार हो सकते हैं, मगर सावधानी बनाए रखें। भावुकता और जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं होगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना पड़ेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। धार्मिक यात्राएं संभावित हैं और देव दर्शन के योग बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।